बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। माय नेम इज दिल महबूब एंड आई एम अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू फिल एंड प्रिंट अ टू डायमेंशनल अरे, कि हम टू डायमेंशनल अरे को, टू डी अरे को किस तरह से फिल करते हैं और किस तरह से प्रिंट करते हैं, ये वाला एक प्रोग्राम आज हम यहाँ पे करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स भी आपको मिलते रहें। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम लिखा है मैंने आपके सामने, इसमें हम अरे को फिल भी करेंगे और उसको प्रिंट भी करेंगे। हमने एक प्रोग्राम किया था कि हम किस तरह से वन डायमेंशनल अरे को फिल करते हैं और प्रिंट करते हैं, इसमें हमने टू डायमेंशनल अरे को फिल और प्रिंट करना देखना है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम सारा लिखा हुआ है इसमें हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम की लॉजिक पहले हमें समझ होनी चाहिए, फिर उसके बाद इसकी समझ आएगी। असल में हम कर ये रहे हैं, हमने एक मतलब दो हमने टू डायमेंशन अरे लेनी है, दो अरे वेरिएबल्स लेंगे जो कि टू डी अरे होगी, उन दोनों में वैल्यूज स्टोर करवाएंगे और उन वैल्यूज को प्लस करके जो तीसरा वेरिएबल होगा, अरे वेरिएबल तीसरा भी लेंगे वेरिएबल जिसमें उनका सम स्टोर होगा। जैसे यहां पे देखें, तीन वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, ए बी और जी, ये तीन यहां पे सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं, टू डायमेंशनल अरेज हैं। इसमें जो वैल्यू होगी और इसमें वैल्यू होगी वो ऐड होके इसमें आ जाएगी, फिर इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है उनका प्लस करेंगे और यहाँ पे स्टोर कर देंगे और आउटपुट दिखाते रहेंगे जो भी Z के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो कॉलम है ये कॉलम नंबर 1 है और ये जो रो है ये रो नंबर 1 है, इसी तरह से ये कॉलम नंबर 2 है और ये रो नंबर 2 है, इसी तरह से जो बी वेरिएबल है इसमें भी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इसी तरह Z में 1, 2, 1 और 2। हमने करना ये है कि ये वाला जो सेल है मतलब इसमें जो वैल्यू होगी और इसमें जो वैल्यू होगी इन दोनों को हम प्लस करेंगे और इसमें स्टोर कर देंगे। यानी कि हम कर ये रहे हैं कि A रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 प्लस B रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, इसको हमने स्टोर करना है किसके अंदर, Z के अंदर स्टोर करना है, कौन से एलिमेंट में, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 में। फिर हम क्या करेंगे, ए रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, यानी ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 यहां पे जो वैल्यू है उसमें प्लस करेंगे बी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और किसमें स्टोर करेंगे, जी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में यहां पे स्टोर कर देंगे। तो इस वैल्यू का और इस वैल्यू का जो सम है वो हमने स्टोर करना है इसके अंदर, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का सम इसमें स्टोर करेंगे और इस वैल्यू का और इस वैल्यू का सम हम इसमें स्टोर कर देंगे। यानी एक थर्ड वेरिएबल जो Z है उसमें आंसर स्टोर करके और जो Z की वैल्यूज हैं वो स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो अब इसको समझते हैं कि ये काम कैसे होगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए बाय यूजिंग डिम स्टेटमेंट। हमें पता है कि जब हमने टू डायमेंशनल अरे को यूज करना है तो डिम स्टेटमेंट यूज करते हैं। वन डायमेंशनल अरे में ये केस होता है कि अगर मोर देन 11 एलिमेंट्स लेने हैं तब हम डिम स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो यहां मैंने लिखा डिम ए 2, 2, मतलब एक जो है मैंने वेरिएबल लिया ए के नाम से और उसमें मैंने बता दिया कि दो इसकी रोज हैं और दो इसके कॉलम्स हैं। यानी अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, 0, 1, 2 तो 3 बनेंगे, तो मैंने 1 से अगर स्टार्ट किया तो फिर वो 2 ही बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो ए का भी वही मैंने साइज बताया कॉमा लगा के, बी का भी वही साइज बताया कॉमा लगा के, जी का भी वही साइज बताया और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि किस तरीके से हम डिम स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक ही लाइन में मोर देन वन अरे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपल कोमा लगा के मैंने एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल्स को यहां डिक्लेयर कर लिया, बता दिया उनका साइज भी और उनका नेम भी। अब यहां पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, एक लूप मैंने लगाया जो कि यहां से लेकर यहां तक है लाइन नंबर 90 तक, फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 2 और लाइन नंबर 90 तक चलेगा, और जो इनर लूप है वो लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 70 तक चलेगा। तो ये एक नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड लूप ऐसा लूप है जो हम यूज करते हैं टू डायमेंशनल अरे को फिल करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। जब भी हमने टू डी अरे को फिल करना है, प्रिंट करना है, तो नेस्टेड लूप ही इस्तेमाल होगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले जब लूप चलेगा फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 2, आर की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जानी, यानी दो दफा ये लूप चलेगा। स्टेप नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले R की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। फर्स्ट टाइम जब वो लूप में आया तो R की वैल्यू हमारे पास क्या है,
1 है, r की वैल्यू 1 और बॉडी में आया, तो दोबारा इसे दूसरा लूप मिला जहां पे c ने भी कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके 2 तक, इनर लूप ने भी दो दफा चलना है और आउटर लूप ने भी दो दफा चलना है। तो आउटर लूप में एक दफा आया उसको c वाला वेरिएबल मतलब इनर लूप मिल गया, तो c की वैल्यू भी 1 उसको मिल गई, तो r भी 1 और c भी हमारे पास 1 हो गया। जब दोनों की वैल्यूज 1 हो गई फिर नीचे आया, तो देखिए यहां मैंने रीड स्टेटमेंट लगाई है और हमें पता है कि रीड स्टेटमेंट के आगे वेरिएबल्स होते हैं और प्रोग्राम में जहां डेटा स्टेटमेंट लिखी होती है वहां से वो वैल्यूज को उठाता है। तो रीड के आगे मैंने दो वेरिएबल्स लिखे हैं, एक मैंने लिखा है ए और एक लिखा है बी। ए के आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है आर कोमा सी, तो आर की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1, यानी कि ए 1.1, ए 1.1। तो ए 1.1 में किसको स्टोर करना है, हमें पता है कि रीड स्टेटमेंट को रीड करते साथ ही फौरन पूरे प्रोग्राम में देखते हैं डेटा स्टेटमेंट कहां है, वहां से पहली जो वैल्यू है पहला एलिमेंट वो उठा लेता है, उसको अलॉट कर देता है। तो ए 1.1 वाला जो एलिमेंट है उसको क्या वैल्यू देगा, देखिए यहां मैंने डेटा स्टेटमेंट लिखी है और इसमें पहली वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ए 1.1 को क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ए 1.1 से मुराद क्या है, रो नंबर भी 1 और कॉलम नंबर भी 1, तो रो 1 ये है और कॉलम नंबर 1 ये है, यानी कि रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो यहां पे स्टोर हो जाएगा 8 मेमोरी में। फिर कॉमा के बाद लगा हुआ है बी आर कॉमा सी, आर की वैल्यू 1 सी की वैल्यू भी 1, तो बी 1.1 यानी बी 1.1 से मुराद है कि बी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 यहां पे क्या स्टोर होगा, डेटा स्टेटमेंट के आगे जो दूसरा एलिमेंट दूसरी वैल्यू है वो स्टोर होगी यानी 4, तो यहां पे स्टोर हो जाएगा 4। उसके बाद आगे 50 पे क्या लिखा है देखें, ZRC is equals to ARC plus BRC। ZRC से क्या मुराद है, R की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है, तो Z1.1 में क्या स्टोर हो रहा है, A1.1 plus B1.1 यानी A R की वैल्यू भी 1 C की वैल्यू भी 1, A1.1 में जो वैल्यू पड़ी है और B1.1 में जो वैल्यू पड़ी है उन दोनों को सम करो और Z1.1 में स्टोर कर दो, तो A11 में क्या है 8 और B11 में क्या है 4, तो 8 plus 4 हुआ 12 और B11 में यानी यहां पे 12 स्टोर हो गया। उसके बाद प्रिंट करना है ZR.C यानी Z11 की वैल्यू जो कि हमारे पास 12 है, तो स्क्रीन पे 12 दिखा देगा। यहां पे मैंने कोमा लगाया हुआ, हमें पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जब हम कोमा लगाते हैं तो नेक्स्ट जो भी चीज प्रिंट हो रही है वो एक टैब की स्पेस के बाद प्रिंट होती है, अगर सेमीकोलन लगाया होता तो अगली चीज के बिल्कुल साथ प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इस सिचुएशन में एक टैब की स्पेस आएगी फिर यहां पे अगली चीज प्रिंट होगी। अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट सी, दोबारा सी के पास गया यानी इनर लूप, अभी आउटर लूप का एक साइकिल है लेकिन इनर लूप में दूसरी दफा चलने लगा वो। जब आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, सी अब हमारे पास क्या हो गया 2, क्योंकि अब सी का जो है दूसरा चक्कर है दूसरा साइकिल है ये, तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, आर अभी 1 ही है यानी रो नंबर 1 ही है, कॉलम नंबर तब्दील हो गया कॉलम नंबर 2 हो गया। तो देखें अब रीड क्या करना है, ए आर कॉमा सी, अब हमारे पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमारे पास 1 है और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी A 1.2, A 1.2 और B भी 1.2, तो A 1.2 में क्या स्टोर करना है, ये दो वैल्यूज तो रीड हो चुकी हैं, अब अगली वैल्यू रीड करेगा यानी कि 3 को रीड करेगा, तो A 1.2 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 यहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहां से 3 यहां पे स्टोर हो गया हमारा 3। उसके बाद b r कोमा c यानी r की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, b 1.2 में क्या स्टोर करना है, अगली वैल्यू जो डेटा स्टेटमेंट के आगे लिखी वो 5 है, तो यहां पे b के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। फिर नीचे उसी तरह से z r कोमा c से मुराद है z 1.2, इसमें क्या स्टोर करना है, इन दोनों को प्लस करके स्टोर करना है यानी a 1.2 में जो वैल्यू है और b 1.2 में जो वैल्यू है वो z 1.2 में स्टोर कर दो, तो इसमें क्या है 5 और इसमें 3 है और इसमें 5 है यानी 8 हो गया और यहां पे स्टोर हो गया रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो इस तरह से हमने z को फिल किया। उसके बाद प्रिंट करना है उसी तरह से z r की वैल्यू 1 c की वैल्यू 2, तो z 1.2 में क्या पड़ा है, 1.2 में 8 है, तो स्क्रीन पे 8 नजर आ जाएगा क्योंकि एक टैब की स्पेस के बाद अब प्रिंटिंग होनी है। फिर नेक्स्ट सी नहीं जाएगा क्योंकि सी ने तो दो दफा ही चलना था, इनर लूप ने चलना था 2 टाइम सिर्फ, तो 2 टाइम तो वो चल चुका, पहले सी की वैल्यू 1 थी फिर 2, अब ये इनर लूप खत्म हो गया। जब इनर लूप खत्म हुआ बाहर आया लूप से, तो लाइन नंबर 18 पे देखें क्या लिखा है, सिंपल प्रिंट
और ये हम चैप्टर नंबर 3 के नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं कि जब सिंपल प्रिंट लिखा होता है उसका मतलब है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज दो। अब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, अब जो भी चीज प्रिंट होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी नेक्स्ट लाइन के शुरू में। अब नेक्स्ट आर, दोबारा आर के पास गया, जब आर के पास गया अब आर की वैल्यू, ये अब आउटर लूप का दूसरा चक्कर है, इनर लूप के दोनों चक्कर कंप्लीट हो गए, दोनों साइकिल्स कंप्लीट हो गए, आउटर लूप का पहला एक चक्कर था वो कंप्लीट हुआ, अब आउटर लूप का दूसरा चक्कर है, तो आर की वैल्यू, स्टेप नहीं लिखा यानी बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट होगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब आर हमारे पास 2 हो गया, उसके बाद जब बॉडी में है तो इनर लूप उसको नए सिरे से मिला, दोबारा मिला, न्यू मिला, तो C की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1 हो गई। अब C की वैल्यू दोबारा से हमारे पास 1 है और R हमारे पास 2 है। अब यहां पे देखें, रीड करना है A R कोमा C, R की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1, यानी A 2 रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 ये और कॉलम नंबर 1 ये, यानी कि यहां पे अब क्या वैल्यू स्टोर करनी है, डेटा स्टेटमेंट के आगे जो अगली वैल्यू है, तो ये तो चारों वैल्यूज रीड हो गई, एक और डेटा स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है 6, तो यहां पे स्टोर हो जाएगा 6। और B भी इसी तरह से, B कॉलम नंबर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो रो नंबर 2 ये है और कॉलम नंबर 1 ये है, तो इसमें क्या स्टोर होगा 6 के आगे क्या है 4, यहां पे स्टोर हो जाएगा 4। और उसी तरह से Z R कोमा C यानी Z 2 कोमा 1 में स्टोर कर दें दोनों का सम, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया, और फिर प्रिंट कर देना इसी की वैल्यू, तो यहां पे 10 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका था। दोबारा C, अब C के पास दोबारा जाएगा क्योंकि इनर लूप ने भी दो दफा चलना है, यहां लिखा है फॉर C इज इक्वल टू 1 टू 2, दूसरी दफा अब चलेगा, जब दोबारा C के पास आया अब C की वैल्यू भी 2 हो गई, C की वैल्यू भी 2 हो गई क्योंकि C पहले 1 था, अब C हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब R भी 2 है और C भी 2 है, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम अब फिल होगा। इसी तरह से फिर रीड करेगा A R कोमा C, R की वैल्यू भी 2 और C की वैल्यू भी 2, तो A 2 कोमा 2 इसमें क्या स्टोर करना है, नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो यहां स्टोर कर देगा 5। इसी तरह से B 2 कोमा 2 में स्टोर कर देगा 5, और फिर दोनों का सम करके किसमें स्टोर कर देगा Z 2 कोमा 2 में, यानी 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और फिर इस लाइन पे आके प्रिंट कर देगा आगे 10 क्योंकि सेमीकोलन यहां पे कोमा है, कोमे से वो आगे आ गया और यहां पे 10 प्रिंट कर दिया। दोबारा C के पास नहीं जाना, C दोनों दफा चल चुका, फिर प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा और नेक्स्ट R, दोबारा R के पास नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि R भी दो दफा चल चुका है, आउटर लूप से भी बाहर आ जाएगा, आउटर लूप भी कंप्लीट। जब आउटर लूप से बाहर आया तो आगे ये दोनों स्टेटमेंट्स तो पहले ही रीड हो चुकी हैं और लाइन नंबर 20 पे आके प्रोग्राम को फिनिश कर देगा, एंड कर देगा। तो इस तरीके से हमारी आउटपुट ये आएगी 12, 8, 10 और 10। तो हमने वैल्यूज कौन कौन सी दी थी, 8 और 4 का सम और इसमें स्टोर हुआ, इस तरह से 3 और 5 का सम होके इसमें स्टोर हुआ, और उसी तरह से हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है असल में नेस्टेड लूप का, और इसमें हमने दो वेरिएबल्स लेके उनको सम करके ये काम किया। इसमें एक चीज बस एक याद रखने वाली है कि क्या हमने करना है, जो आउटर लूप है उसमें रो चेंज हो रही है और इनर लूप में जो है वो कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। पहले रो 1 रहेगी और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 ये फिल होंगे, मतलब पहली रो ही रहेगी और ये दोनों फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रो 2 हो जाएगी और ये दोनों दोबारा से फिल होंगे। इसमें असल में ये टेक्निक यूज की गई है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।